घंटाघर व्यापार मंडल के तत्वाधान में अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा की अध्यक्षता में निःशुल्क मास्क वितरण आम जनमानस को किया गया। जानकारी देते हुए अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए घंटाघर चौराहे पर टेम्पो चालकों, राहगीरों, व्यापारियों को निःशुल्क मास्क वितरण किए गए। विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हमने जो संकट देखा है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार और जिला प्रशासन असहाय दिखा। जिस प्रकार से मेडिकल स्टोर, ऑक्सीजन, शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें लगी रही थी, उनको भूला नहीं जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों जिंदगी काल की गाल में समा गई। इसलिए घंटाघर व्यापार मंडल ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन निःशुल्क 501 मास्क का वितरण एक महीने तक किया जाएगा। इससे कोरोना की तीसरी लहर को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये जगह घंटाघर है मंजू की टाकी के सामने, जहाँ व्यापार मंडल की ओर से हम लोग मास्क वितरण, निःशुल्क मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, जो कि हम लोगों ने दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ है वो तीसरी लहर में ना हो सके, और यदि कहीं से सरकार मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रही या मास्क उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो यहाँ पर आम जनमानस को और टेम्पो चालकों को निःशुल्क मास्क वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कानपुर से मोहम्मद अबूजर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।